जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। इस वीडियो में हम JEE 2024 का एक PYQ सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास 50 kg इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 20 m फ्रॉम द ग्राउंड इन टू डिफरेंट वेज आज शोन इन द फिगर्स। द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ केसेस विल बी। फिगर आपको यहाँ दिया गया है, ऑप्शन आर गिवेन हियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो केस वन में दिया गया है कि ये 50 kg मास को ऐसे उठाया गया है, एंड केस टू में ऐसे रैंप के ऊपर 50 kg मास को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ केसेस। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। एंड द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कवर्ड। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कवर्ड, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो बोथ केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क डन दोनों का सेम होगा। तो W1 इक्वल टू W होगा, तो दोनों का वर्क डन का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। सो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।